सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स किचन यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पे दबाइए यूनिक कुकिंग की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अच्छे से भूनेंगे, हमको इसको तब तक भूनना है जब तक कि सारे मसाले तेल ना छोड़ने लगे। पाँच से सात मिनट हो गया है, ये मसाला भून चुका है अच्छे से। अब आइए हम इसमें दाल डालेंगे। देखिए ये सात से आठ घंटे दाल हमने भिंगा दिया था, फिर इसको हम हल्का सा नमक डाल के उबाल लिए हैं। ये एक सीटी तो आप फुल फ्लेम पे उबाल करके उबाल लीजिए, फिर उसके बाद आप गैस की फ्लेम को धीमी कर दीजिए और चार सीटी आने तक और पका लीजिए। देखिए ये कितनी बढ़िया गल गई है ये दाल। अब ये मसाला भुन चुका है, अब आइए इसमें हम इस दाल को डालते हैं। ये दाल हमारी बहुत गाढ़ी है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। ये करीब डेढ़ कप पानी हम इसमें डाल रहे हैं और इसको हम 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। अब इसको हम खोल के देखते हैं, एक उबाल इसमें आ गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला डालते हैं, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें डालते हैं। आप कसूरी मेथी जब भी डालिए तो इसको हथेली पे मसल के डालिए। अब इसको हम चला लेते हैं। दाल मखनी बनके तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म चावल रोटी के साथ सर्व कीजिए।